गर्मा गर्म मेथी की पूरी अगर खाने को मिल जाए तो बहुत मजा आएगा ना ठंड के मौसम में। और अभी मेथी बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल रहा है, तो आज हम बनाने वाले हैं मेथी का चटपटा, क्रिस्पी और लेयरफुल, मतलब बहुत ही लेयर वाली पूरी, जो कि खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप सभी को। तो मैं एक पूरी आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना ज़्यादा लेयर दिख रहा है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दही और अचार के साथ, तो खा के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं मेथी के चटपटे, क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट पूरी बनाना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मेथी, अभी हरे वाले जो मेथी आते हैं ना छोटी छोटी पत्तियाँ वाली, वो बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में आसानी से मिल रहे हैं। तो मेथी को अच्छे से धो लीजिए और धोने के बाद इसे बारीक बारीक कट कर लीजिए। अब इस मेथी को हम रखते हैं साइड में, और यहाँ पर हम लेंगे आटा, गेहूँ का आटा जिससे कि रोटी बनाते हैं हम। अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं 2 चम्मच बेसन। बेसन डालने की वजह से जो पूरी है ना हमारी बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी और अच्छा लगता है टेस्ट। इसमें अजवाइन जाएगा 1 छोटा चम्मच। अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं छोटा सा मतलब 1 चुटकी भर हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और इसके अंदर जाएगा 2 से 3 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। साथ ही में डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, और अब जो है इसे हम रख देंगे साइड में, और जो मेथी है उसे हम फटाफट से हल्का सा पका लेंगे। तो गैस स्टार्ट करने के बाद कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच तेल डाल दिया है और कटी हुई मेथी डाल देंगे, और लगभग 1 से 1.5 मिनट में ही ये मेथी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस हल्का सा इसे हमें मतलब कि गला लेना है, सॉफ्ट कर लेना है। तो बस ये रेडी है, इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, मैंने इस वक्त इसमें नमक नहीं डाला है। और ये जाने वाला है गर्मा गर्म आटे के अंदर। तो ये रहा हमारा आटा जिसमें हमने सारी चीज़ें मिक्स करके रखी हुई हैं, और ये गई मेथी इसके अंदर। और अब जो है अच्छे से तरीके से हम मिक्स करने के पहले हम डालने वाले हैं इसमें 1/2 बड़ा चम्मच, जो खाने वाला चम्मच होता है ना उसी चम्मच से आपको इसमें डाल लेना है घी। घी नहीं है तो आप इसके अंदर तेल भी डाल सकते हैं। घी डालने की वजह से ना ये पूरी जो बोलती हूँ ना मैं लेयर वाले और खस्ता बनेंगे वैसा बनता है, तो घी ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो ही आप तेल का यूज़ कीजिएगा। और अच्छे से सारी चीज़ों को बिल्कुल मसल मसल के हम बढ़िया तरीके से क्रम्बल की तरह बनाएंगे। और अब थोड़ा थोड़ा पानी, नॉर्मल वाटर लेना है हमको, गर्म या ठंडा नहीं, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बढ़िया तरीके से हम आटे को गूंथ लेंगे, जैसे कि हम रोटी या पूरी के लिए बनाते हैं ना वैसा ही गूंथना है। या ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा गीला आटा हमें लगाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप गूंथिएगा ताकि आटा जो है आपका गीला ना हो। तो यहाँ पर हमने जो आटा है उसे अच्छे तरीके से मसलते हुए गूंथ लिया है, और इस आटे को हम रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए, और उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो 10 मिनट हो चुका है आटे को, और आप देख सकते हैं आटा अच्छे से मतलब सॉफ्ट नज़र आ रहा है। एक बार और हम इसे मसल लेंगे, और अब ये पूरी बेलने के लिए रेडी हो गया है। तो फटाफट से हम पूरी बना लेते हैं। जो मेथी की पूरी होती है ना वो हल्का सा मतलब आप मोटा रखिएगा तो खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो चकले पर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, आप चाहें तो आटे की मदद से भी बेल सकते हैं, और पूरी की तरह इसे हमें बेल लेना है, बहुत ही सिंपल है। तो ये देखिए हमने बेल कर रेडी कर लिया है, लेकिन हल्का सा मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेला है इस पूरी को। इसी तरीके से सारी पूरी को हम बेल लेते हैं, और फिर फटाफट से इस पूरी को हम जो है फ्राई कर लेंगे। तो चलिए फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई में तेल रख के गरम कर लिया था, और गैस का फ्लेम हमने रख दिया है मध्यम। मध्यम आंच पे पूरी को अच्छे से चारों बगल से मतलब दबाते हुए हिलाते हुए बढ़िया तरीके से इसे हम फ्राई कर लेंगे। ये वाली जो पूरी होती है ना वो फूलती नहीं है, क्योंकि इसमें हमने मेथी के जो डाले हैं और अजवाइन डाला है उसकी वजह से नहीं फूलती है, मतलब बहुत ज़्यादा गुब्बारे की तरह नहीं फूलती। तो ये देखिए पूरी जो है हमारा जितना फूलना था उतना अच्छे से फूल चुका है, और दिखने में बढ़िया सा क्रिस्पी नज़र आ रहा है, और अच्छे तरीके से पक चुका है। अलटते पलटते हमने इसे पका लिया है, और इसे हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, और ये पूरी है ना सूखी भी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो इसी तरीके से सारी पूरियों को हम फ्राई कर लेते हैं। तो अब हम दूसरी पूरी डाल देते हैं, लेकिन गैस का फ्लेम आप हाई रखेंगे ना तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से ब्राउन हो जाएगा। तो मध्यम आंच पे पूरी को अच्छे तरीके से हमें पकाते हुए अच्छे से इसे फुला लेना है। तो बस अलटते पलटते रहिए, और पूरी जो है फुल कर रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी सेकंड पूरी बन गई है। इसी तरीके से सारी पूरी को हम फ्राई कर लेंगे, और अब जो है
पूड़ी को हम बढ़िया से फटाफट से प्लेट में निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने अचार और दही ले लिया है और ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस मेथी के पूड़ी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको मैं तोड़ करके दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा खस्ता बना है। खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाले हैं। पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे लेकिन पूरी एक बार बनाइए और खाइए। और इस पूरी को आप ट्रैवल में जा रहे हैं तो भी लेके जा सकते हैं, जल्दी ये ख़राब भी नहीं होगा। तो बनाइए, खाइए और अपना फीडबैक कमेंट्स द्वारा हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।